7:30 बजे आज मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हूँ और सूरज देखिए बहुत चमक रहा है, बहुत ही ऊपर आ चुका, मतलब धूप है। ठीक है, तो यहीं पर ही एक्सरसाइज करके इस पेड़ के नीचे घर चला जाऊँगा। आज से वॉकिंग किया हूँ। 28 फरवरी है, फरवरी मंथ भी ख़त्म, आज कल से शुरू हो जाएगा मार्च। और जो मार्च महीने में जो हवा बहता है वो ऑलरेडी हवा का आप लोगों को पता लग ही रहा है, देखिए बाल कैसे बढ़ रहे हैं। हवा की वजह से मेरे बाल बढ़ रहे हैं। इसे देखिए ऐसा लग रहा है, पूछ रहा है कि हमारे पेड़ के नीचे क्या कर रहा है तू। यहाँ पे हमारा कब्जा है, यहाँ पे तू क्या कर रहा है ऐसा पूछ रहा है मेरे से। बिल्कुल भी डर नहीं है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, चला जाऊंगा। तुम लोग भी अपने मजे करो। हमें हमेशा कुछ ना कुछ जो है सीखते रहना चाहिए। जब तक हमारा जीवन ऐसा नहीं कि सिर्फ जो स्टूडेंट लाइफ है वही हम सीखते हैं, ज़िंदगी भर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। कुछ किताबों से सीखते हैं और कुछ किताबों के पढ़ा से भी सीखते हैं, अपने लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से। तो हमेशा जो है सीखने पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि हमें तो सब कुछ पता है या बहुत कुछ पता है। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमसे जो छोटे हैं उनको कुछ चीज़ें पता रहती है जो हमको पता नहीं है। तो हमको इसीलिए हमेशा ही जो है सीखने पर ध्यान देना चाहिए। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि सीखना कभी मत छोड़िए, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, किसी भी एज ग्रुप के हो। जो दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब जितना भी आप सीखें फिर भी आप अज्ञान ही रह जाए, ज्ञान ही रह जाए। और जो चीज़ें आप खुद के अनुभव से सीखते हैं उससे बड़ा सीख और कोई नहीं। लोग जो खुद एक्सपीरियंस करके जो चीज़ सीखते हैं ना, वो जो ज्ञान है वो तो दिमाग में ऐसा घर कर जाती है कि वो ज़िंदगी भर दिमाग से नहीं निकलेगा, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। आपका अनुभव आपको जो सिखाता है वो आप कभी भी नहीं भूलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अनुभव ही आपका सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। चीज़ों को अनुभव कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए और हर चीज़ में से कुछ ना कुछ सीख लूँगा आपको एक्सपीरियंस। ज्ञान ढूंढने से मिलता है, चीज़ों में से ज्ञान या सीख ढूंढेंगे ना तो ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और हर ज्ञान का अपना ही महत्व होता है, अपना ही वैल्यू होता है। तो कोई ज्ञान छोटा नहीं, कोई ज्ञान बड़ा नहीं। जितना हो सके आपको अपने दिमाग को अच्छे अच्छे ज्ञान से जो है भरते जाइए। तो लगभग आधा घंटा एक्सरसाइज करने के बाद अभी जा रहा हूँ वापस, एंड स्क्वाटिंग करके एग्जॉस्टेड हो गया। नहीं तो मैं सोचा था पुशअप भी आज बाहर ही कर लेता, बट नहीं, पानी वानी भी नहीं लाया हूँ। तो आराम से अभी ये 1 किलोमीटर दूर है घर, घर जाके पानी वानी पी के ब्रेकफास्ट करके कहीं इवनिंग में स्क्वाट पुशअप्स कर लूँगा आज, क्योंकि यहाँ पर धूप तो है लेकिन इतना ठंडा ठंडा हवा बह रहा है ना, मतलब वो कि पसीना आ भी रहा था, सूख जा रहा था, मज़ा भी आ रहा था एक्सरसाइज करने में, बट अभी थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ।
थोड़ा यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के 4-5 मिनट, उसके बाद निकल जाऊँगा।